Assalamu alaikum student, today we will discuss present perfect continuous. Previously we have completed present indefinite, present continuous and present perfect. Let me tell you, this tense is little bit difficult because many students get confused while using since and for. Before moving towards the structure, we will discuss the usage of present perfect continuous. ओके, इसका यूसेज ये है गर्ल्स, वो काम जो आपने पास में स्टार्ट किया लेकिन अभी भी कंटिन्यू है. फॉर एग्जांपल, आज सुबह से बारिश हो रही है. अभी सुबह नहीं है, अभी रात हो गई है, लेकिन मैं कह रही हूँ आज सुबह से बारिश हो रही है. इसका मतलब जो सुबह था वो पास था, बारिश स्टार्ट सुबह को हुई थी, पास में बारिश स्टार्ट हुई थी और रात तक चल रही है. वो काम जो कि लॉन्ग टाइम तक चली, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो, लॉन्ग टाइम लगे. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कहूँगी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. आई हैव यूज सिंस वर्ड. अब व्हाई आई हैव यूज दिस वर्ड आपको बाद में पता चलेगा. लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर. फर्स्ट लेट मी राइट द यूसेज. व्हेन द वर्ड is started in past, but still continue in the present. So we will use present perfect continuous. Okay, the structure of present perfect continuous is we will use subject. And with that we will use have or as. Why I am using have or as? क्योंकि आप इसका टाइटल ही देख सकते हैं, परफेक्ट का वर्ड यूज़ हुआ है. सो हमने यहाँ पर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ड लिया है, हैज़ और हैव. अब गर्ल्स, कंटीन्यूस का वर्ड भी तो आ रहा है. एंड आई टोल्ड यू दैट के कंटीन्यूस की पहचान क्या है कि आप आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे. और जब मैं आपको परफेक्ट बना रही थी, आई टोल्ड यू दैट इन परफेक्ट यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आप सबको याद है परफेक्ट की पहचान क्या थी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कंटीन्यूअस की क्या पहचान थी, आई एन जी फॉर्म. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो नहीं आ रही, तो गर्ल्स हम हैव के साथ, हैव एस के साथ बीन लगा देंगे, जो कि बीन यहाँ पर किसका काम का परफॉर्म कर रहा होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का काम परफॉर्म कर रहा होगा. Now after this we will put ing form. I believe that you people know this thing, what is ing form. You will put first form of verb, and with the first form of verb you will put ing. Okay, then we will put object, then you will use since or for, then you will put any time. Okay, now you must be thinking where to use since and where to use for. So guys, when the time is exact, आपको exactly time पता है, so you will use since. और जब आपको quantity में time पता है ना, you don't know and you are not sure about the time it is exact or not, सो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आप फोर लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स, मेरे साथ है ना, मैं आपको ट्रिक भी बता रही हूँ. ट्रिक क्या होगी गर्ल्स, आपके पास अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट पार्ट ऑफ डे की बात करें ना, तो यू विल पुट सिंस विद देम, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है या नाइट का टाइम है, ये आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, दैट्स व्हाई यू विल यूज सिंस. अब जैसे कि देखो, आपको डे के नाम भी आ गए, डे के नाम, नेम ऑफ डेज, सॉरी नेम ऑफ डेज. नेम ऑफ डेज क्या होते हैं गर्ल्स, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सो विद देम यू विल यूज सिंस. अब नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ्स क्या होते हैं गर्ल्स, जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस, क्योंकि आप श्योर हैं, एग्जैक्ट टाइम मेंशन है. ओके, अब बस इसी को ही उल्टा कर लेती हूँ. अब नेम ऑफ द डे की जगह पे अगर मैं कर लूँ वन डे, अगर ऐसे आए वन डे, टू डेज, थ्री डेज, ऐसे क्वांटिटी आए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे जितनी भी गिनतियाँ आती जाए, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 4. अब नेम ऑफ मंथ का उल्टा कर लेते हैं. अगर ये आए 1 month, 2 month, आगे चलता जाए 3 month, 4 month, 5 month, 6 month, आगे चलता ही जाएगा. इसके साथ भी आप क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे. आर यू गेटिंग गर्ल्स? यू मस्ट बी गेटिंग गर्ल्स. एग्जैक्ट टाइम के लिए सेंस होगा, जब क्वांटिटी मेंशन होगी तो आप 4 लगाएंगे. तो ये था 4 और सिंस का डिफरेंस. अगर आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, एक और चीज़, अगर टाइम एग्जैक्ट मेंशन है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, मैं लिख भी देती हूँ 2 o'clock, आगे 3 o'clock, 4 o'clock, तो इसके साथ भी आप सिंस लगाएंगे. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये आ जाए 1 hour, 2 hours, ऐसे आए तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? 4. 1 minute, 2 minute, ऐसे भी आए तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे. आई होप सो कि आपके यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं हाउ टू मेक नेगेटिव 1, क्योंकि यहाँ पे हैज हैव और प्लस बीइंग भी आ रहा है. आपको ये लग रहा होगा कि बीइंग के बाद हम नॉट लगाएंगे, बट इट इज़ नॉट सो. आपको बीइंग के बाद नॉट नहीं लगाना, हमेशा याद रखना वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब हियर इज़ हैव और हैज़. आपका बीइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद ही नॉट आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, वेयर आई एम राइटिंग, सॉरी गर्ल्स, बाई मिस्टेक, नीचे सब्जेक्ट, हैज प्लस हैव. ये तो आप लोगों को पता होगा, वी हैव टू यूज़ हैव, वी हैव टू यूज़ हैज, क्योंकि हमने परफेक्ट में डिस्कस कर लिया ये. अब इसके बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद बीन लगेगा. ओके, देन यू विल पुट आईएनजी फॉर्म. मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ. Then object, then since or for, फिर आप time mention कर लेंगे. अब जब हम negative बनाएंगे, so you will put have or has at the beginning of the sentence. Has या have, दोनों में से कोई एक लगेगा गर्ल्स, ये भी याद रखना. Subject, then subject, फिर जाके आपको बीन लिखना है. यहाँ पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करती है, ये आप इंट्रोगेटिव को तो आप रट लेना. देन यू विल पुट आईएनजी फॉर्म, देन यू विल राइट ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर, देन यू विल पुट टाइम, देन यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस. It has been raining since morning. I have been doing intermediate for 2 years. I have been waiting for you for a long time. अब देखिए यहाँ पे for a long time के लिए, for ages के लिए,
एजेस के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप फोर ही लगाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम्स पे मेंशन नहीं है. लॉन्ग टाइम कितना लॉन्ग टाइम, वी डोंट नो. अच्छा आगे गया, शी हैज बीन, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. We have been learning English for 5 years. So girls, this is present perfect continuous. If you have any confusion, you may ask in the WhatsApp group. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.